सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये रात की तस्वीरें हैं और अवैध पेड़ों के कटान की जड़ों की तस्वीरें हैं। बताते चलें कि इस वक्त थानहर थानगांव और रेउसा इलाके में वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से पर्यावरण को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आए दिन लकड़कट्टों का पुलिस और वन विभाग की मिली भगत से पेड़ों पर आरा अवैध तरीके से गर्जता नजर आ रहा है। आए दिन पेड़ काट कर आम और जामुन गुलर के मौके से लकड़ी उठा ली जा रही है। वहीं पर लोगों की जुबानी बने हुए हैं विभागीय वन विभाग के अधिकारी, क्योंकि चर्चा यहाँ तक आ रही है लोगों में कि अगर सबसे अधिक कटान हुआ है तो इस भाजपा सरकार में और वर्तमान में जो वन विभाग में तैनात अधिकारी हैं आला उनके संरक्षण में। इतना कटान कभी भी किसी सरकार में और कोई भी विभागीय तैनात तत्कालीन में अधिकारियों के नहीं हुआ है। बताते चलें कि आए दिन लकड़कट्टों का आरा पुलिस और वन विभाग की मिली भगत से गरजता नजर आ रहा है। बताते चलें कि थाना रहुसा क्षेत्र के ग्राम शिकड़िया निवासी हरद्वारी यादव ने अपने आम के पेड़ कुछ लकड़कट्टों के हाथ मुसीर ठेकेदार के हाथ बेचे थे, जिन्होंने बिना परमिट के तकरीबन 7 पेड़ काटकर लकड़ी उठा ले गए मौके से और धराशायी कर दिया अब आम के। वहीं पर आपको बताते चलें कि बड़ा गांव में कमलेश की बाग काटकर धराशायी कर लकड़ी मौके से उठा ले गए और वहीं पर बड़ा के ही शिव बका सिंह की आम के पेड़ काटकर धराशायी कर लकड़ी मौके से उठा लेंगे। आए दिन कैसे बचेगा पर्यावरण, कैसे सुरक्षित हो रहेगा लोगों का जीवन, ये आलम है कि आए दिन स्थानीय वन विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से पेड़ों का कटान जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर जब इस बाबत बात की गई आदित्य सिंह वन दरोगा जो स्थानीय कस्बा रेउसा में रुकते हैं और वहीं पर जानकारी से अनभिज्ञता जताते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही, सिर्फ एक ही जिम्मेदारों का रटा बयान कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो साबित होता है। लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बने हुए हैं कि सबसे अधिक कटान हुआ है तो इस वक्त जो वर्तमान में वन विभाग के आला अधिकारी हैं उनकी संरक्षण में हो रहा है।